नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वंडर टूर में। आज हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्ष का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 वर्ष का समय लगना चाहिए। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2,00,000 टन पत्थर को हटाया गया है। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिर को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप और कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर और बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह ऐसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे गुफाओं पर काफी शोध कार्य किया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया है, जो आज तक बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण भूमि शस्त्र और मंदिर के अंदर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।